हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आई हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास मम्मी को लेके। तो चलिए देखिए मम्मी की फिजियोथेरेपी हो रही है। हर चीज़ में घबराहट हो जाती है इसे, हर चीज़ में, कपड़े पहनने में भी घबराहट होती है इसको। नहीं, ये स्वेटर अगर आजकल ज़बरदस्ती पहना है मैंने, पहले से ही ये सब कर। हाँ, अपने घर में जा तो सकती है उसके साथ। ये बोलते हैं परेशान हो जाएगी हमारे कारण वो। ठीक भी तो हो जाती है अभी तक। सारे शरीर में ही दर्द हो रहा है, बोलो हड्डी अगर में। तो देखिए गाइस मम्मी लेट रखी हैं, और चलो देखते हैं फिजियोथेरेपी करके भी, देखो हंस रही है। तो देखते हैं फिजियोथेरेपी करके क्या होता है, कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता है। दवाइयां तो चली रही है, मैंने सोचा चलो फिजियोथेरेपी भी कर लेते हैं। गाइस अभी आ चुकी हूँ वहां से फिजियोथेरेपी करा के मम्मी की। नहीं, ये क्या हुआ? और एक बज गए हैं, करंट एक बज गया है। एक बजने में 5 मिनट थे अभी जब आई थी मैं, और फिर चाय पी रही हूँ, अभी थक गई हूँ। 10:30 बजे से निकली हूँ। मम्मी टाइम लगाती है चलने में, बहुत ज्यादा परेशान करती है यार, बहुत ज्यादा। वहां जाके बड़े धीरे धीरे से ले गई, फिर वहां अंदर लिटाना, ये करना, वो करना। फिर जब फिजियोथेरेपी हो रही थी तो कह रही थी ये क्यों लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो, मेरे को घबराहट हो रही है। अब बताओ जब फिजियोथेरेपी करनी है तो ये सब चीजें तो लगानी ही पड़ेंगी ना। फिर मैंने मम्मी को डांटा, तब जाके लेटी आराम से थोड़ा। मैंने कहा फिर नहीं तो कल से नहीं लाऊंगी, फिर दिखाऊंगी नहीं तुझे। तो कह रही नहीं नहीं मेरे को दिखा लेना, अब मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो इसलिए गाइस मेरे दांत में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसकी वजह से खुद को नहीं दिखा पा रही हूँ। अब देखती हूँ, अब शाम के टाइम जाऊंगी मैं। और क्योंकि 10 बजे तक तो रावत जी गए थे, फिर उसे ले गई, बहुत परेशानी होती है, चलती नहीं है, रिक्शा लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। फिर वहां जाके मैं बैठी रही 1.5 घंटा उसके साथ ही। तो अब जाके 1 बज गया है, 1:10 हो चुके हैं। चाय पीते पीते मुझे 1:05 तक जब मैं आई थी। तो चलिए अब घर का काम पूरा बिखरा पड़ा है, अब करती हूँ घर का काम, उसके बाद फिर दिन का खाना बच्चों के लिए, तब तक खाने बनाने की तैयारी हो जाएगी चाय पी के। अब पहले करती हूँ झाड़ू पोछा, घर की डस्टिंग सारा ऐसी छोड़ के गई थी, क्योंकि 11 बजे का टाइम था ना वहाँ दिखाने का इसको। तो 11 से अब आए हैं हम, 1 बज गया घर पे। और इसलिए क्योंकि ना ये चल भी नहीं पाती, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फिर रिक्शा किया, रिक्शे में भी कभी इधर बिठा कभी उधर बिठा, सज नहीं आ रही है मुझे, ये कर वो कर। और फिजियोथेरेपी के वहाँ भी वो कहती 1 घंटे में हो जाती है फिजियोथेरेपी, लेकिन इसने वहाँ अभी इधर मत लगाओ, मेरा ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, अभी मुझे बिठा दो थोड़ी देर, मुझे घबराहट हो रही है, ऐसे करके थोड़ा टाइम 2 घंटे लगा दिए, 1 घंटे के जगह 2 घंटा हो गया इसको। तो चलिए गाइस अभी मैं कर लेती हूँ काम, झाड़ू पोछा, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं, 2:30 से थोड़ा ऊपर हो गया है, और मैं आपको मिली थी 1:10 पे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा, घर का डस्टिंग किया, क्योंकि काम करके नहीं गई थी ना सुबह जब वहां गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ आज रोटी बनाने के लिए दिन में,
क्योंकि सुबह भी हमने खाए हैं पनीर के पराठे बनाए थे और हरी सब्जी बनाई थी, मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी और चटनी बनाई थी। अभी मिक्सी में से निकाली भी नहीं, इसमें ही है, इसी में से तब सुबह ली थी, अभी इसे रखूंगी एक बर्तन में। और चटनी बनाई थी और हरी सब्जी की भुजिया और पनीर के पराठे बनाए थे। और अभी भी मैं सोच रही हूँ आज चावल, क्योंकि कल और परसों हमने चावल ही खाए थे, तो मम्मी के लिए तो रोटी बनानी पड़ती है ना, तो इसलिए हम मैं सोच रही हूँ हम भी रोटी खा लेंगे, थोड़ा पनीर बचा हुआ है उसकी भुजिया बना लेती हूँ और चटनी और थोड़ा चाय। तो चलिए फिर बनाती हूँ पनीर की भुजिया और उसके बाद रोटी। तो गाइस चलिए पनीर की भुजिया बना रही हूँ और मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी सुबह, वो थोड़ा बच रखी है, तो बस आज रोटी ही बना लेती हूँ। मम्मी तो रोटी ही खाती है और तो मैंने सोचा थोड़ा भुजिया बना लूँगी, पनीर बची है, रोटी बना लूँगी। और तो गाइस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहा है, काफ़ी बिजी चल रही हूँ मैं और मम्मी के साथ काम बहुत हो जाता है, तो बूढ़े आदमियों के साथ खैर होता ही है और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो क्या करें, करना पड़ता है। और बुढ़ापे में मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए और बुढ़ापे के लिए ही औलाद होती है गाइस, इसलिए मम्मी पापा की सेवा जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए बुढ़ापे में। और जबकि मेरी मम्मी बहुत परेशान करती है, मतलब जैसे कि बाथरूम जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी कपड़े तक नहीं पहन पाती है, तो मैं सारा उसके साथ पूरा एक जना उसके साथ पूरा दिन चाहिए काम करने के लिए। तो आजकल मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं जितना भी बना पा रही हूँ ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर अभी बना लेती हूँ पनीर की भुजिया और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टमाटर काट लिए हैं मैंने 2-3 दाने और 2 दाने बड़े बड़े से प्याज कट कर लिए हैं और जीरा प्याज टमाटर ऐड करूँगी मैं और हरा धनिया और पनीर तो है ही। खैर तो गाइस देखिए तेल गरम हो चुका है और मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, जीरा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा से ले लेंगे, अच्छा लगता है जीरा, वैसे भी सर्दियों में जीरा अदरक लहसुन जितना खा सकते हो उतना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैंने जीरा ऐड कर दिया है और 2 दाने बड़े बड़े से प्याज कट कर रखे थे और वो ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, भून लेंगे प्याज को अच्छी तरह और पनीर की भुजिया काफ़ी आराम से बन जाती है, आसानी से और जल्दी भी बन जाती है झटपट से। तो चलिए थोड़ा प्याज भी ऐड कर दिए हैं मैंने। पनीर की भुजिया काफ़ी आसान है बनाना, तो देखिए मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, सब आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं आता बनाना, वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बनाते हो तो दिखा दिया करो, तो इसलिए मैं दिखाती हूँ। और तो देखिए इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, हल्दी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर से फ्राई कर लूँगी ऐसे। और उसके बाद मैं ना हरी जो है हरा धनिया डालूँगी, हरा धनिया क्या है कि आप ऊपर से भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बाद में जब ऐड करो तो उसे खाते नहीं है, बोलते हैं मुँह में लगता है, तो मैं पहले ही ऐड कर रही हूँ। देखिए हरा धनिया ये मैंने धो के काट के रखा है इसमें, तो थोड़ा मैं जैसे धनिया पहले ऐड कर दोगे कोई भी चीज़ में, वो थोड़ा धनिया पहले ऐड कर दो तो खुशबू भी अच्छी आती है और कलर भी उसका अच्छा आता है। तो मैं गैस थोड़ा सा कम कर रही हूँ और अब मैं ये पनीर को ऐसे मैश कर लूँगी, फिर इसमें अच्छे से डाल दूँगी मिक्स करके और फटाफट से बन जाएगा गैस। फिर उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और मूली के पत्तों की भुजिया तो है ही सुबह की बची हुई, और मैंने चटनी भी बना रखी है, मम्मी नहीं खाती है चटनी
क्योंकि उसमें आंवला अगर है तो वो खट्टा नहीं खाती है, चावल भी नहीं खाती है, बहुत कुछ नहीं खाती है ऐसा खट्टा पैरों के लिए। देखिए पनीर मिक्स कर लिया है, तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस 2 मिनट में आपका जो है पनीर भुजिया एकदम तैयार हो जाती है। गाइस ये रही भुजिया, देखिए इस तरीके से इतनी अच्छी बनी है और बन चुकी है। मैं गैस बंद कर दूंगी, सूखा नहीं करना है मुझे ज़्यादा, गीला गीला सा करना है। देखिए तो चलिए तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ अब। तो गाइस इस तरीके से देखिए मैं कपड़े से अच्छे से साफ कर रही हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर रोटी बनानी है, बेलनी है। वैसे मेरे पास चकला है एक, थोड़ा सा वो ख़राब हो गया है तो मैं सोच रही हूँ नया चकला लाऊंगी। और ज़्यादातर वैसे मुझे ऐसे नीचे बनाने में अच्छा भी लगता है, साफ करके बना लो। तो अभी चकला लाने का मैं एक सोच रही हूँ, एक बड़ा सा चकला लकड़ी का। तो मेरा चकला तो था लेकिन वो ख़राब हो चुका है। और चलिए अभी गर्मा गर्म रोटी सेक लेती हूँ और फिर मम्मी को भी दूँगी। तो गैस अभी रिकॉर्डिंग जब मैं कर रही थी तो मैंने देखा मेरे पीछे का जो वीडियो बनाई थी, मतलब लास्ट की आप लोगों को मैंने जब बाय बोला था, वीडियो की एंडिंग करी थी, तो वो पार्ट मेरा थोड़ा डिलीट हो गया शायद। और तो इसलिए मैं आपको इसी में बोल रही हूँ कि आपको मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी। अच्छा सा क्या, आजकल मेरा टाइम ऐसे ही बीत रहा है जैसे आप देख रहे हो, सुबह का काम करना, मम्मी को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना और मम्मी के साथ सारा दिन मेरा बीत जाता है और तबीयत ठीक नहीं है तो उसके साथ रहना पड़ता है। तो चलिए फिर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस खाना बन चुका है और अभी मम्मी छत में ऊपर धूप सेक लिया, आज धूप हो रही है ना तो ऊपर उसके लिए मैंने गद्दा वगैरह लगाया है और अब मैं उसके लिए ऊपर ही दे रही हूँ खाना। 3 बज चुके हैं तो चलिए फिर धूप में उसके लिए बढ़िया रहता है ना, धूप सेकना, जितना धूप सेकेगी उतना अच्छा है उसके लिए। पैरों में बहुत दर्द होता है उसके ठंड से। तो आज तो बहुत बढ़िया धूप आई है दिल्ली में। मनु दे अम्मा को, दिया फिर हम भी खा लेंगे, पहले उसको दियाते हैं ऊपर फिर हम खाएंगे। ये मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी सुबह और ये है पनीर की भुजिया एंड चपाती, बस 2 ही रोटी खाती है वो। तो चलिए गाइस पहले मम्मी को दिलाती हूँ। तो गाइस मेरा बेटा गया है ऊपर मम्मी को खाना देने और सुबह मैंने चटनी बनाई थी ना तो मिक्सी में से निकाली नहीं है, अभी निकाल रही हूँ मैं इसको। वो चटनी नहीं खाती है क्योंकि इसमें मैंने आंवला भी डाला है ना तो खट्टा नहीं खाती है मम्मी बिल्कुल भी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है आंवले की, धनिया की, आजकल हरा धनिया खूब मिल रहा है मार्केट में। तो और मेरे तो बच्चों को चटनी बहुत पसंद है इनको, खासकर मेरी बेटी को छोटी वाली कहती कल जैसे खत्म हो जाती है ना तो उसी दिन बोलती है